हाय गाइस, फिर से मैं एक बार पार्ट फोर में सौरभ मौर्य आपका हमारे चैनल शुभम स्टडी एंड टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टडी कर रहे थे केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर विलयन का, इसमें पार्ट फोर ये वीडियो है। और इस वीडियो में आज हम कल तक ने हमने जो बात कर ली थी वो जो की थी कि विलयनों के जो अति अल्पसारी व अल्पसारी विलयन क्या होते हैं, तो उनकी डिफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी विथ एग्जाम्पल के साथ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वन हाफ नियम, जो कि फेरर ने 1877 ईस्वी में जो कि दिया था। तो फ्रेंड्स, जिसमें जो कि इन्होंने वन हाफ नियम दिए, जिसमें दो नियम थे, चार्ल्स वन हाफ नियम या बॉयल वन हाफ नियम। तो ये सारे नियम जो कि आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट जरूर देखो, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये सारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने पराशरण दाब जो कि दो होते हैं, पहला बॉयल का वन हाफ नियम हम सीधे देखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सिंपल से हम सीधे नियम पे चलते हैं। और इस नियम को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा, जिससे सभी लोग कन्फ्यूज होते हैं बॉयल का वन हाफ नियम और चार्ल्स का वन हाफ नियम क्या स्थिर रहता है, इसमें स्थिर दाब रहता है, उसमें स्थिर सांद्रता रहती है, ठीक है। तो मैं अभी आपको ट्रिक देता हूँ, आप याद कर लोगे। तो स्थिर दाब पर किसी विलयन का पराशरण दाब पी विलयन की सांद्रता सी के समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सी बराबर होता है 1/V, यानी आयतन के एक भाग होता है, एक बटा पी, सी जो होता है 1/C, जो कि यहाँ पर मैंने आपको लिखा हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ हमने यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख दिया, बस ये चीज़ है। और पी वी बराबर के यहाँ पर ये वी है, और यहाँ पी वी बराबर यहाँ कोई भी जैसे कॉन्स्टेंट लगता है यहाँ पर लग गया, ये बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हो, इसमें कुछ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं आगे की, जो कि चार्ल्स का नियम, जो कि चार्ल्स का नियम है, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का पराशरण दाब पी उसकी सांद्रता टी के समानुपाती होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पी बराबर के डैश अपॉन टी, जहां के डैश एक स्थिरांक है, ठीक है। अब मैं आप, तो फ्रेंड्स उसको आप इसके बाद जो होता है तनु विलयनों का वन हाफ समीकरण। तो अभी तक हमने चार्ल्स के और बॉयल के वन हाफ समीकरण देख लिया, अब इन दोनों विलयनों को, उन दोनों समीकरणों को जो हमें मिले थे उनको निकाल कर हम एक समीकरण लाएंगे, जिसमें हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो वन हाफ समीकरण विलयन का ताप में निम्नलिखित सांद्रता, यानी दाब, ताप और आयतन में जो कि हम एक संबंध व्यक्त करेंगे। तो बॉयल का वन हाफ नियम क्या था, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V, और चार्ल्स पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, समीकरण एक दो को अगर मिला दे पी बराबर टी अपान वी हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर, इसको हम कोई भी एक, इसको हम एक लाइन और लिख सकते हैं, यानी पी आर इक्वल टू, यहाँ पर आर एक कांस्टेंट है, टी आर टी अपान वी, वी का इनटू इधर कर दीजिए, पी वी बराबर आर टी। तो यदि विलयन का वी लीटर में विलय की मोलों की संख्या एन हो, विलय के मोलों की संख्या एन हो, तो पी वी बराबर एन आर टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, जहाँ पर आर क्या होता है, आर एक जो कि स्थिरांक है, जिसका मान होता है 0.0, यहाँ पर मैंने लिख चुका है 0.082, ठीक है, 81 होता है, लेकिन 2 भी आप लिख सकते हो, लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री मोल, इसका ये मात्रक है, ठीक है। आप वन हाफ समीकरण की जो सीमाएं आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ तक वो पालन करता है। तो अवाष्पशील वैद्युत अनुपघट्य के तनु विलयन सांद्रता ताप की परिस्थितियों को वन हाफ समीकरण का पालन करता है, करते हैं। वाष्पशील पदार्थों के विलयन तथा सांद्र विलयन वन हाफ समीकरण से विचलित नहीं होता है, जो वन हाफ समीकरण है वह जो कि सांद्र विलयन से विचलित नहीं होता है, कि मतलब उसके अलग गुण प्रदर्शित करे, तो ऐसा नहीं होता है, मतलब होता है, विचलन प्रदर्शित करता है। जो पदार्थ विलयन में संगुरित होते हैं उनके विलयन वन हाफ समीकरण से विचलन प्रदर्शित करते हैं। संगुरित मतलब होता है जुड़ जाना, यानी संगुरित यानी कंबाइन हो जाना, ठीक है। वैद्युत अपघट्यों से विलयन का वन हाफ समीकरण विचलन प्रदर्शित करता है, वही चीज़ें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, ये पूछा नहीं जाता है आप लोग के लिए, ठीक है। सिंपली आप सीधे यहाँ पर मैं जो आपने वन हाफ समीकरण लिखा है उसमें जो कि आप कुछ सूत्र लिखे हैं, तो उन सूत्रों का पहले आप, ठीक है, उन सूत्रों के नाम आप जान लो कि क्या क्या है। यहाँ पर पी जो कि पराशर दाब है, वी आयतन है, यन मूलों की संख्या, आर जो कि एक परम उसको क्या कहते हैं विलयन स्थिरांक, जिसका मान 0.0821 लीटर एटमोसफियर प्रति डिग्री मोल, प्रति केल्विन मोल, यहाँ पर डिग्री भी हो सकता है, आप केल्विन चाहे जिसमें निकाल सकते हो, डिग्री में भी होता है, कहीं जगह केल्विन में होता है, आगे मैंने आपको पहले डिग्री में बताया था, ठीक है। तो विलय के मोलों की संख्या, विलय का भार बटे अनुभार, ये मैंने आपको बताया, पी डब्ल्यू अपन एन के स्थान पर हमने यही रख दिया, ठीक है।
देखो अब उसके वाइंडअप समीकरण के अनुप्रयोग हमें यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। वाइंडअप समीकरण का अनुप्रयोग यहाँ इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस चीज़ के आवासीय विद्युत अपघट्यों के विलयनों के परासरण दाब की गणना करने में, ठीक है। और दूसरा ये दूसरा है परासरण दाब से वास्तविक विद्युत अपघट्यों के अरुभारों की गणना, मतलब अरुभार निकालने में और परासरण दाब की गणना करने में इस चीज़ का प्रयोग होता है, क्योंकि अभी बहुत सारे सूत्र हैं इसका प्रयोग करने में और दाब भी निकालने में प्रयोग होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दो क्योंकि न्यूमेरिकल्स आपको दूंगा, दो मैं बताऊंगा, तीन आपको बताऊंगा और एक आप करने के लिए मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पर, पहले जो भी इसमें दिया हमें केल्विन निकालना है, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के मोल एम अपान 10 विलियन की परासरण दाब ज्ञात कीजिए, यानी कि जो इसका क्या कहते हैं विलियन का मोल, यानी कि हमें क्या दे दिया है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी दी है 1/10 हम करेंगे, ठीक है, विलियन के मोलों की संख्या। तो मैं पहले यहाँ पर आपको सीधी सॉल्व ही करके यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, तो जो ठीक है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं क्या क्या दिया है, टी दिया है यानी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को मैंने आपको कहा केल्विन में बदल दो, ठीक है। तो हम केल्विन बदलने के लिए आप क्या करते हैं इसमें 273 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है एम अपान 10 यानी वी मोलों की संख्या, ये आयतन क्या होता है, आयतन आप पहले चेक कर लो, आयतन क्या होता है यानी आयतन हमेशा 100 ग्राम, अगर आपको आयतन इसमें कहीं नहीं दिया है, ठीक है, तो आयतन अगर आपको नहीं दिया है तो आप सिंपली उसके लिए क्या करोगे 100 अपान 1000 करेंगे, तो ये कर जाएगा 111 यानी कि आ जाएगा 0.1, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यूरिया, यूरिया का अरुभार हम निकाल लेंगे, अरुभार उसका कितना होता है, अरुभार होता है 60, यहाँ पर मैंने आपको निकाल के आपको निकालना अगली बार बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 1/10 यानी कि, तो जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो क्वेश्चन था यहाँ पे 5 ग्राम भी आपको दिया गया था, 5 ग्राम यूरिया की, ठीक है। मैंने यहाँ पहले लगा लिया था फिर सॉल्व किया था, तो यहाँ पहले मैंने किताब से नोट किया था, किताब से सीधे सॉल्व किया था, लेकिन यहाँ लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, पहले मैंने इसे लिखा किताब से लिखा लेकिन यहाँ पे ये 5 ग्राम भूल गया, और सॉल्व तो मैंने किताब से किया था इसलिए आप सोचिएगा मत मैंने गलत स्केच छापा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कि देखिए आपको सिंपली 5 ग्राम या फिर W, यहाँ पर जो कि आपको W भी दिया गया है, स्मॉल W यानी भार जो गया 5 ग्राम। तो हम सूत्र क्या जानते हैं PV बराबर NRT, पी V का मान है P हमें ज्ञात करना है, N का मान है W अपान W, N बराबर होता है W अपान M, 5/60 और 60 है यानी 0.0821 इंटू टी का मान 300 अपान में ये V जो आ जाएगा नीचे, यानी कि सूत्र हो जाएगा P बराबर NRT/V यानी कि 0.1, ठीक है। तो ये देखो एक से यही ऑटोमेटिकली कट जाएगा, ऊपर नीचे 10 से इंटू का तो 56 30 यानी कि 5 0 50 आ गया, 5 5 25 यानी 25 0 इंटू 0.0821, बस आपको सिंपली इसका इंटू कर लेना, आपको इतना आंसर मिल जाएगा। और भार हमेशा ATM में आता है, ठीक है, वायुमंडल में, वायुमंडल। सेकेंड क्वेश्चन है एक 1.81% ग्लूकोज के जली विलयन में विलयन का परासरण दाब 70 डिग्री सेल्सियस पर 9.4 वायुमंडल पर पाया गया, तो ग्लूकोज का अरुभार हमें क्या करना है। तो हम यहाँ पर मैं आपको सिंपल जो चीज़ें दी गई हैं पहले उन्हें नोट कर, भार कितना के परसेंटेज जो भी दिया रहा है भार है, पहले मैंने आपको बता दिया था, अगली बार जो यूरिया का क्वेश्चन था 6% वाला उसमें भार था, तो ये भार जो दिया गया 1.8 यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद दिया टेम्परेचर टी दिया है, हम इसमें 273 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमें 290, ठीक है। और जो पी दिया है पी यानी कि डाब दिया है 9.4 पी कहाँ है यहाँ पर 9.4, और आयतन हमेशा मैंने आपको कहा था 100/1000 कर देंगे 0.1, 100 में से हमेशा लिया जाता है, ठीक है। आर का मान तो यहाँ पर आपको दिया है, तो सूत्र मेरे तो पी वी बराबर W/MRT यानी NRT से ही आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर W ये यहाँ पर देखो ये सूत्र क्या निकल कर आ सकता है, MRT/PV, ठीक है। W का 1.8, R का मान इतना 290, 9.1, फिर 0.1, यहाँ पर सिंपली आप किसी सॉल्व कर लेते हो तो आपको आ जाएगा 179.6, ठीक है। फिर जो अगला क्वेश्चन है ये
फ्रेंड मैं आपको यहाँ पर जो कि 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर विलयन से घोलने पर प्राप्त विलयन में जो कि परासर दाब इतना दिया। तो अरु भार यहाँ पर सिंपली आपको मैंने सारी चीज़ें आप लिख दी हैं, टी दिया है, ये सारी चीज़ जो कि आपको दी हुई हैं, टी दिया है 10 डिग्री, इसको 83 के इतना आ जाएगा केल्विन, आप चेंज करके देख सकते हो, W दिया इतना, V इतना, A इतना, P जो कि इतना है, सारी चीज़ जो कि आप सूत्र में रखो सीधे सॉल्व कर लो। और ये आप सवाल आपको होमवर्क में दिया गया है, ठीक है, ये सवाल आपको मैं होमवर्क में देता हूँ, आप इसे आंसर में मुझे कमेंट करो कि हाँ ये आंसर आएगा। R का मान निकालना है इसमें, ठीक है। आपको मैं ये भी बता दूंगा क्या क्या आपको दिया गया है। किसी पदार्थ का विलयन यानी इतने 100 ml, V बराबर आपको दिया है 100/1000, आप कर देते हो तो यानी कि आ जाएगा 0.1, ठीक है, ये आ गया आपको V का मान। और उसके बाद भार दिया स्मॉल W बराबर दिया 4.5 ग्राम, और टेम्परेचर दिया गया है 20 डिग्री, ठीक है, आप यहाँ पर 20 डिग्री और ये 3.2, ये 20 डिग्री है, 20 डिग्री, और P बराबर दिया है 3.2 atm, R का मान आप निकाल गए, और यहाँ पर जो कि अरुभार m बराबर दिया है 342, ठीक है, आप सिंपली आप निकालो और मुझे आंसर कमेंट करो। और आपका ये वीडियो देखने के लिए आज तुम लोग, अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो प्लीज़ आप इसे का आंसर प्लीज़ लाइक करेक्ट करना। और आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दो। तब तक के लिए गुड बाय।